Hey buddies, good morning. How are you? Afternoon. Oh sorry, not afternoon, it's good morning. अभी जब उठो तभी सवेरा, जैसे कि आप जानते ही होंगे, और मैं उठता ही जल्दी हूँ, लेट मत समझना, मैं जल्दी उठता हूँ। आपको पता ही है मैं 6-7 बजे उठ जाता हूँ, और अभी 8 ही बज रहे हैं, आप मत सोचना आफ्टरनून है। तो आज मेरी DS थी करनाल पे, आज नहीं कल थी, तो मैं अभी करनाल पे जनरली एक दिन रुक गया हूँ, क्योंकि यार थक जाता हूँ मैं, आपको पता ही है, थोड़ा सा काम किया और मैं थक गया। तो मैं आपको वॉक अराउंड, अभी जो इस बार मेरा होटल मिला है वो होटल गोपीनाथ द ग्रैंड, मतलब समझ रहे हो, गोपीनाथ द ग्रैंड ये होटल मिला है, ग्रैंड तो है नहीं पर गोपीनाथ है। चलो तो इसका वॉक अराउंड कराऊंगा कि क्या क्या है होटल में, क्या फैसिलिटीज़ मिली मुझे। पहले तो देखो मैं ब्रेकफास्ट कर लिया यार, ब्रेकफास्ट आया था मैंने और कपिल, मेरा मतलब जो रूममेट है, जो बडीज है, कलीग है, हम दोनों ने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद हम उठ गए। मैं अब थोड़ा सा वॉक अराउंड कराता हूँ। होटल भी काफ़ी अच्छा है, एंट्रेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट एक चीज़ दिक्कत है। आओगे करनाल में गोपीनाथ द ग्रैंड, वहाँ पे सर्विस थोड़ा लेट है। अगर आप फ़ोन करोगे सर ब्रेकफास्ट भेज दो, पानी भेज दो, मे बी 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाता है, सर्विस स्लो है। बाकी एट द एंड होटल क्लीन अच्छा है, और खिड़की नहीं खुलते, खिड़की मैं दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे हैं। और आपका भाई कैसा लग रहा है बता दो, ऊँचे ऊँचे एकदम बना के, जैसा भी होगा कमेंट पे ज़रूर बताना। चलो मैं अब आपको वॉक अराउंड कराता हूँ। गो टू एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस है और रूम नंबर 215 गोपीनाथ द ग्रैंड। चलते हैं अंदर। हे कपिल, हाउ आर यू? How are you, bro? I am fine, buddy. ये कपिल है। Hi guys, कैसे हो सारे? सारे बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ, मेरे सारे व्यूवर्स भी बहुत बढ़िया है। भाई का चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। My bro is making this content right away at Gopinath the Grand. Grand है तो भाई content भी grand होगा इसका। और क्या, इसी बात में मारो thumbs up। ये रहा अपना रूम। आपको भाई तो स्मार्ट ही लगता है। नो कॉम्प्लीमेंट दे देना कमेंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टी कॉफी है पर बनाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं। और ये है रूम, सारा कुछ है, बस एक दिक्कत ही, बड़ी सी खिड़की है। ये नीचे कॉलेज है सामने, पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या लड़कियाँ उड़कियाँ देखना तो अब मेरा काम ही नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा रहता 11-12 पे तो लड़कियाँ उड़कियाँ देखता, बट अब एज ए जॉब प्रोफेशन के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, आपको पता है मेरे ऊपर बहुत, मेरा कंधा भारी हो गया, झुक गया, इतने जिम्मेदारी हो गया मेरे ऊपर, जिम्मेदार बंदा मतलब व्यक्ति बन गया हूँ, जागरूक नागरिक। चलिए अब बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं, कपिल तैयार हो जाता है फिर चलते हैं। सो टेक ए वॉक अराउंड ऑफ गोपीनाथ द ग्रैंड। नीचे यहाँ से ये जो था एंट्रेंस से बाहर जाने का रास्ता है, चलिए आपको दिखाता हूँ, ले चलते हैं। ये फर्स्ट इधर से व्यू, इधर तो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। इधर ये सामने कॉलेज है, ये क्या है, डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप डाइनिंग कर सकते हो, बढ़िया ही है। अपा जाएंगे अब, ये इधर अलग रूम है गोपीनाथ द ग्रैंड की, अब अपा चलते हैं, कपिल ने लिफ्ट मंगवा ली है। कहाँ जा रहे कपिल? अब हम जा रहे हैं सीधा ग्राउंड फ्लोर पर, और ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक बहुत बढ़िया सुंदर सा नज़ारा दिखाएंगे। कौन सा नज़ारा? होटल का नज़ारा है। कौन सा ग्रैंड नज़ारा, कुछ भी बोलता है, फिर भी चल के देखते हैं, कुछ सा ग्रैंड ही हो क्योंकि ग्रैंड इन है। यहाँ पे तो भीड़ बहुत है, फिर भी अंदर चलते हैं, यहाँ पे कपिल इंट्रो देगा होटल पे क्या होता है कैसे होता है, जस्ट एंट्रेंस लेते हैं होटल पे और चेक करते हैं। ओके ये है ओनर होटल के, सर आपका नाम क्या है? विक्रांत कपूर। तो सर बेसिकली क्या आप कितने समय से हैं? सिंस वी आर हेल्पिंग सी द ग्रैंड Since 2014 you are running here. I'm a traveler myself, I'm a rider myself. Okay. Travel to the different countries also and different states of India.
So basically, I'm a gemologist and I have a new showroom also. So while starting the process, we had a concept to give like world class amenities to all our customers at a very economical rate. So that's a view where we're staying here. Normally, that's quite unusual to find someone who's a writer, a gemologist, and वैसे यहाँ पे माहौल का भी उस टाइप का है जैसे पूजा पाठ नहीं करते अपन घर पे। Normally that's very unusual that how beautified it is. So we have like clients come from other worlds. They have love for this stone and this jewelry. So जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि कितने varieties के यहाँ पे stones हैं। And this itself gives such an unusual feeling to be seeing this within a hotel. So my friend can give pose this. How beautiful it is. तो आपने ये डिसाइड मतलब दो 2014 से आप ये भी रन कर रहे हैं साथ में ज्वेलरी शॉप। अच्छा, वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दिस होटल गोपीनाथ द ग्रैंड एंड ही इज़ द ओनली ओनर ऑफ दिस होटल। वी आर वेरी प्लेजर टू मीट हिम। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्स टू अस। थैंक यू सो मच। एंड ही इज राइडर एंड ट्रैवलर टू। So we'll like, pay a visit to this hotel and you will definitely enjoy a visit and do make a stay at this hotel. What a wonderful hotel. Okay, thank you so much. Okay sir. Thank you sir. नहीं यहाँ पे स्टे ना 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 यहाँ से आप ऐसे जाओगे ऊपर को। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। यहाँ पे पेड़ हैं मतलब ग्रीनरी मतलब आपको क्या बताऊँ मतलब सजावट पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट फ्लोर पे लॉबी है, आप आओगे फर्स्ट फ्लोर पे ये लॉबीज मिलेगी आपको। इधर और आगे के रूम्स हैं, ऊपर चलते सारे रूम्स ही हैं पर ऊपर थर्ड फ्लोर पर कुछ अच्छा ही है। चलिए चल के देखते हैं। इस होटल के गोपीनाथ के थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिलेगा और ये सामने मिरर है और मिरर के सामने खड़ा होना बहुत ही पसंद है। चलिए आपको एक मिरर का शॉर्ट व्यू दिखाता हूँ, पेमेंट चेक कर रहा है सही है कि नहीं। ये इसका ऊपर का टॉप फ्लोर का मैरिज हॉल पे जनरली ये बुक होता होगा। यहाँ से बहुत रास्ता हमने अभी पूरा होटल एक्सप्लोर नहीं किया, सो वी आर राइट हेडिंग टू दैट। ओके, ये फर्स्ट गेट। ये जनरली सेकंड कॉन्फ्रेंस रूम है, मतलब फर्स्ट है वो सेकंड था। यहाँ से अब चलते हैं बाहर की ओर। अभी लाइट बंद है क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे, तो कुछ काम ही नहीं है अभी। ये किचन, छोटी छोटी चीजों पे काफी ध्यान दिया गया है। यहाँ पे पोस्टर्स काफी अच्छे हैं, आर्ट देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है।
किस तरह से बढ़िया आर्ट का पूरा डिजाइन यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है इस पूरे पोर्ट्रेट पर, कि जो यहाँ के ओनर है कितने क्रिएटिव है एंड ही इज अ राइडर ट्रैवलर होटल ओनर, कितनी क्रिएटिविटी है। और यहाँ पे मेरे कपिल, मतलब मेरे जो फ्रेंड है कपिल, उन्होंने दिखाया, ओनर के साथ मीट कराया, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप भी है नीचे। तो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताया। अभी हम जा रहे हैं पूल खेलने, स्नूकर की पूल पूल, तो वहाँ का मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। जब तक ये होटल्स की वीडियो से आप चेक कर सकते हैं, करनाला है तो गोपीनाथ पे जरूर आए। ओके, लाइक कमेंट एंड शेयर बडी। फाइनली बैक पैकिंग टाइम, जब निकलना है अपने को, चलिए बैग पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। रात को 9 बजे बस है तो जनरली पैकिंग कर लेते हैं, अभी 7:30 बज रहे हैं, पैक करके निकलते हैं। यू वांट टू, मतलब आपको बैग पैक करना है मेरे साथ? चलो कोई नहीं, करते हैं बैग पैक।